वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादरी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में आपका दिल पसंद प्रोग्राम प्रेयर ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। आपका और हमारा साथ रहता है जी। सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक आप इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। जब आप हमारा साथ देते हैं, इस प्रोग्राम में आते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है और मेरे लिए बड़ी हौसले की, बड़ी खुशी की बात होती है कि आप लोग मेरे साथ होते हैं। अजीजो, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे साथ है, क्योंकि उसका नाम इमैनुअल है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत मादम के लिए जिसके जरिए हम खुदा का पाक कलाम लोगों तक लेकर जाते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम सीख सकें। हमारी वेबसाइट है जी www.bibletvglobal.com और इसके अलावा ये चैनल जो है ये जादू बॉक्स पे भी मौजूद है, एप्पल टीवी पे है, फ्री ऐप जो है वो आपके मोबाइल पे, चाहे आप एंड्रॉयड पे या एप्पल पे हैं, आप फ्री ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जहां कहीं भी आप होंगे, जहां भी इंटरनेट होगा, आप इस चैनल को देख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे आईपीटीवी बॉक्स हैं जिन पर इस चैनल को लोग जो है वो देखते हैं, पसंद करते हैं। फेसबुक लाइव हम आपके लिए सुबह लेकर आते हैं और दीगर जो प्रोग्राम होते हैं वो भी लाइव हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। YouTube पर भी 24/7 आप इस चैनल को देख सकते हैं। तो ये वो माध्यम है जिनसे आप खुदा के पाक कलाम को सुन सकते हैं, बरकत पा सकते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज हम साम 95 से करेंगे, जबूर 95 उसकी पहली 7 आयात हम खुदा के सुंदर पाक कलाम में से तलावत करेंगे। मैं उन तमाम बहनों भाइयों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो कि इस वक्त हमारे साथ फेसबुक लाइव पे मौजूद हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने खानदान के साथ बांटिए। तो बाइबल मुकद्दस को भी लीजिए क्योंकि ये जरूरी है कि हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखें। खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनिए, साम 95:1-7, जबूर 95। आओ हम खुदावन के हजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावन खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। जमीन के गहराव उसके कब्जे में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावन के हजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़े हैं। काश के आज के दिन तुम उसके आवाज सुनते। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन जिंदा पाक खुदा, लश्करों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तू जो कदीमुल आयाम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, हम तेरे जाहो जलाल के लिए, तेरी कदूसियत के लिए, तेरी यकसानियत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने लोगों को ये हक बख्शा है, वो जो तेरे खून खरीदे हैं, कि तुझे अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकार सकें। यार खुदावन, तेरे बेटे और बेटियां जिस वक्त है खुदावन तेरे कलाम को सुनने के लिए बेचैन है, खुदावन दुआ करता हूं कि तुम तमाम लोगों को बड़ी बरकत दे। हम इस चैनल के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं
और दुआ करते हैं प्यारे खुदावन इस चैनल के जरिए तेरी आवाज, तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा फजल लोग उसका तजर्बा कर सके। खुदावन तो हम सबको बड़ी बरकत दे। रात के उस पहर के लिए जिसमें तूने हमें संभाला, हमें सुकून दिया, मीठी नींद दी, हर खौफ खतरे हादसे से बचा के रखा और आज की रोशनी दिखाई, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तो आज का तमाम दिन हमारे साथ ना, बड़ी बरकत देना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, लंदन का मौसम जी जरा थोड़ा सा आज सुबह सुबह अबरलू था, जब मैं सुबह उठा और थोड़ा सा मैंने बाहर वॉक की तो मैंने देखा कि कुछ जो है बूंदें जो पड़ रही थी, बारिश थी, लेकिन अभी जो है सूरज निकला है और मौसम बेहतर हो रहा है। नॉर्थ में भी अलबन वहां पर भी बारिश हुई और सर्दी भी है, तो लेकिन मौसम जो है बदल रहा है, रुत बदल रही है। और अब देखें कि जो पहले जैसे पाबंदियां थी यूके में कोरोना वायरस की वजह से, वो भी खत्म हो गई हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाबंदियों खत्म कर दी है, लेकिन आप एहतियात करें और अगर बहुत जरूरी हो तो तब आप जाएं बाहर, और जब बाहर जाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर उन्होंने ये रिलैक्सेशन दे दी है, लेकिन आप मास्क पहन कर रखें और हाथ धोएं, सैनिटाइज करें अपने आप को और अपने आप को महफूज रखें, दूसरों का ख्याल करें और कोशिश करें कि आप रैपिड टेस्ट जो है जरूर उनको करवाएं और अपना और अपने बच्चों का आप ख्याल रखें। खुदा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है कि खुदा यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक बहुत जल्द आने वाले हैं। हम बहुत दफा ये कहते हैं कि जी उसके आने का वायदा कहाँ गया, जैसे कि पत्रस के खत में हम देखते हैं कि दुनिया के शुरू से लोग जो हैं वो ऐसी बातें करते आ रहे हैं, खुदा के वादों को नहीं मानते, उनका यकीन नहीं करते। तो आज भी बहुत सारे ऐसे ठट्ठाबाज, ऐसे लोग जो कहते हैं जी उसके आने का वायदा कहाँ गया, लेकिन वो अपने वादे में देर नहीं करता, जैसे कि बाज लोग समझते हैं, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो खुदावन अपने वादे के मुताबिक, अपने प्रोग्राम के मुताबिक काम करता है। खुदावन का जो टाइम टेबल है, खुदावन का जो कैलेंडर है, उसको हम नहीं जान सकते। खुदावन ने ये वादा किया कि वो एक निजात जिंदा को दुनिया में भेजेगा, उसका बेटा अबलीस के सर को कुचलेगा। खुदावन खुद इंसान बना, इस दुनिया में आया और उसने चर्नी में जन्म लिया, हमारी खातिर उसने स्लीप पर जान दी और कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और अपने वादे के मुताबिक वो आने वाला है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है, इस बात पर हम यकीन रखते हैं, इन बातों पर। तो खुदा यीशु मसीह अजीजो अपने वादे के मुताबिक दोबारा आने वाले हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो बहुत सारी ऐसी निशानियां, बहुत सारी ऐसी एविडेंस हमें नजर आती हैं जो कि इस बात की अकासी करती हैं कि खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। खुदावन ने अंजील मुकद्दस में हमें सिखाया कि जब तुम इस दुनिया में इस बात को देखते हो कि अच्छा भाई अब आसमान पर जो निशानियां जाहिर होती है, चलिए अब बारिश होगी, अब तूफान आएगा, इन बातों की तब जब हम निगाह करते हैं दुनिया में जो हालात हैं, खुदावन ने फरमाया कि जैसे नूह के जमाने में हुआ कि लोग कारोबार कर रहे थे, घर बना रहे थे जब तक के तूफान नहीं आ गया, तो ऐसे उसने कहा कि इब्ने आदम के आने पर भी होगा। लोग घर बना रहे होंगे, कारोबार कर रहे होंगे, खुदा यीशु मसीह जो है वो आ जाएंगे। एक जो और खुदावन ने निशानी बताई कि दुनिया में उस वक्त जैसे कि नूह के जमाने में बदी और गुनाह अरूज पर था, इसी तरह इस आखिर जमाने में भी बदी, गुमराही ये अरूज पर होगी, तब खुदावन यीशु मसीह आएंगे। और आज आप देखें कि
लोग बदी को बदी नहीं समझते, गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता। फिर एक बात और जो हम दानियल नबी के सहीफा में देखते हैं, दानियल के 12 बाब में, कि आखिर जमाना में दानिश अफजू होगी, इलम बहुत बढ़ जाएगा। आज दुनिया में अगर हम निगाह करें, इलम और दानिश अफजू है, लोग बहुत ज्यादा अपने आप को नॉलेजेबल समझते हैं, सारा इल्म जो है वो छोटी सी माइक्रोचिप पे उसको महफूज कर लिया गया। आप देखें, आपके हाथ में डिक्शनरी है, आपके हाथ में पूरी लाइब्रेरी है, दुनिया का इल्म आप अपने हाथ में कैरी जा रहे हैं, छोटी सी डिवाइस मोबाइल जिसपे आप पूरी दुनिया का जायजा ले सकते हैं, कहां क्या हो रहा है। ये खुदावन के कलाम के मुताबिक है। तीसरी जो एविडेंस या निशानी साइन जिसको हम देखते हैं, इस दुनिया में हम देख रहे हैं कि अंजील का पैगाम किस तेजी के साथ फैल रहा है। खुदा ने कहा कि जब तक अंजील की मुनादी दुनिया के कोने कोने में ना की जाए, मेरा आना नामुमकिन है। स्प्रेडिंग द गुड न्यूज, प्रोक्लेमिंग द गुड न्यूज, लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हैविंग द गॉस्पल, ये एक ऐसा साइन है जिसको हम इस दुनिया में देख सकते हैं। आप कहेंगे भाई सब चर्चेस तो खाली पड़े हुए हैं, लोग तो चर्च आ ही नहीं रहे, चर्चेस बंद हो रहे हैं। ये सिर्फ एक खिते की बात है। अगर आप एशिया में, अफ्रीका में, दीगर जगहों पर आप इस बात को देखें कि किस तेजी के साथ खुदावन का पाक कलाम फैल रहा है, हजारों की तादाद में लोग खुदावन को कबूल करते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था इंडिया की खुजेवाल, वहां पर जो खुदावन के खादम है, ही इज अ सिख कन्वर्ट, लेकिन बड़ी तेजी के साथ वो चर्च जो है उसने ग्रो किया। जब उनके वालिद साहब थे वो मुनादी करते थे, खुदावन में सो गए, वो भी सिख कन्वर्ट थे, तो चंद लोग उस बिल्डिंग में होते थे, लेकिन आज उनको पंडाल में, मैदान में खुदावन की इबादत करना पड़ती है। इट्स द सेम इन पाकिस्तान, मैदानों में लोग इकट्ठे होते हैं, मौजात होते हैं, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, खुदावन काम करता है। इस तरह आप कोरिया में, चाइना में, अफ्रीका के जो ममालिक है वहां पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल दे आर एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट एज देयर पर्सनल सेवियर। यहां पर अगर हम देखें तो दिस इज अ कल्चरल इशू, क्योंकि ये एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर भी खुदावन बहुत काम कर रहा है। एशियन चर्चेज, ब्लैक चर्चेज इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, पीपल दोज हु आर माइग्रेटिंग फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका, दे सेटिंग देयर ऑन चर्चेज। जब मैं इस एरिया में आया, साउथ हल्क एरिया में, यहां पर दो या तीन आप कह सकते हैं कि चर्चेज जो थे, एशियन चर्चेज की बात कर रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी चर्चेज वो मौजूद थे। लेकिन अगर आज आप साउथ हॉल में आए और यहाँ पर आप एनालिसिस करें तो आपको बहुत सारे एशियन चर्चेज जो हैं वो मिलेंगे, और उन चर्चेज में यू विल बी सरप्राइज, वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्वर्ट जो हैं वो वहां पर जा रहे हैं, खुदा को कबूल किया उन्होंने और वो चर्चेज काम कर रहे हैं। इसी तरह बर्मिंगम में, मैनचेस्टर में, दीगर शहरों में, कॉन्ट्री है, इन शहरों में जो चर्चेज काम कर रहे हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एंड मेनली दी चर्चेज आर फुल विद द कन्वर्टेड पीपल, खुदा का शुक्र हो। यहां पर भी बहुत ज्यादा खुदा जो है अपने लोगों के दरमियान काम कर रहा है। ये जो भी एक वबा की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो डिक्लाइन में है। खुदावन दोबारा रिस्टोर करेगा और दोबारा लोग
चर्चेज में जाना शुरू होंगे। अभी भी लोगों के अंदर जो एक भूख और प्यास है खुदाम के कलाम की, हम उसके लिए खुदाम का शुक्र करते हैं। तो ये एक ऐसा साइन है कि इंजील की मुनादी जो है वो की जाए और खुदाम की आमद जो है वो जल्द मुमकिन हो। सोशल मीडिया के जरिए खुदाम का पाक कलाम बड़ी तेजी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि शैतान ने कहा कि ले जी मैं चर्च बंद कर रहा हूं, मैं कामयाब हो गया। तो शख्स ने कहा अब तो घर घर में चर्च खुल गया। और एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक बहुत सारे लोगों तक खुदाम का पाक कलाम पहुंचा है। चर्च ने ग्रो किया है, डिजिटल जो चर्च है उसने ग्रो किया है। और ऐसे लोग जो कि अपनी डिसेबिलिटी की वजह से ड्यू टू अदर सर्कमस्टांसिस सिचुएशन दे वर नॉट एबल टू अटेंड द चर्चेस, बहुत सारे जो नॉन क्रिश्चियन से उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी कि वो खुदा का पाक कलाम जो है वो सुनते हैं, इन इबादात में शामिल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मैंने अकाउंट शुरू किया टिकटॉक पे और यूट्यूब पे, देखिए हर चीज का एक इस्तेमाल जो है वो देखिए आप किस तरीके से करते हैं। जो टेक्नोलॉजी है, अब देखिए यूट्यूब है तो अगर आप उस पर अगर आप ड्रामा देखते रहेंगे, अगर और प्रोग्राम देखते रहेंगे इंटरटेनमेंट, हाँ मैं दैट ठीक है इंटरटेनमेंट है आप देखें, लेकिन अगर आप उसको मोबाइल को अगर आप मस्बत तरीके से कंस्ट्रक्टिवली आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ नॉलेज इन दीज डिवाइसेस, चाहे वो टीवी है चाहे मोबाइल है, आप अच्छी चीजें भी उनमें से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो अभी मैं देख रहा था कि रात को मैंने एक वीडियो डाली, उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया टिकटॉक पे। और देखें जहां पर ये एक आप देखें कि बाकी की जो वीडियो है इंटरटेनमेंट की वो वहां पर मौजूद है, तो उनके दरमियान ये बड़ा जरूरी है कि खुदा का कलाम जो है, और सिर्फ मैं नहीं बहुत सारे और लोग भी जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पे और वेब के जरिए वेबसाइट लोगों ने बनाई हुई है उनके जरिए खुदा का पाक कलाम जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो देयर इज नो एक्सक्यूज कि जी नहीं जब हमारे पास एक्सेस नहीं है, गल्फ में जहां पर कभी बाइबल मुकदस नहीं जा सकती थी, लोगों को रोक दिया जाता था, उनको जेलों में डाला जाता था, आज डिजिटल जो बाइबल है वो लोगों के हाथ में है और कोई इसको रोक नहीं सकता, इस कलाम को कोई रोक नहीं सकता। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनको हम देखते हैं कि ये निशानियां हैं। मैंने मुख्तसर वक्त में आपके साथ इस बात को बांटा और भी बहुत सारे, क्योंकि मेरा ये पैशन है कि मैं आप तक इन बातों को पहुंचाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो हमें इन बातों को याद रखना है, जैसे हम इस गीत को गाया कि देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी शान से मसीह आ रहा है। तो ये वो तमाम एविडेंस हैं, ये वो तमाम बातें हैं जिनको हम देखकर तो कह सकते हैं खुदा यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्द आने वाले हैं। यार मेरी चाय ठंडी हो गई, चलें कोई बात नहीं। सुबह सवेरे इसको हम कहते ही हैं जी भी ब्रेकफास्ट शो है, तो मैंने सोचा कि चलें टाइम आज बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि कल मैं बहुत ज्यादा टाइट था, क्या करें जी इंसान है, सैटरडे को बहुत बिजी था, तीन जगह मैंने विजिट किया, दो जगह इबादतें करवाई और फिर संडे आपको पता ही है मेरा बहुत बिजी होता है, सुबह 10:30 बजे फिर 2 बजे और कल शाम को कुछ प्रोग्राम मैंने लाइव जो है उनको ब्रॉडकास्ट किया, तो बस बिजी। तो सुबह बड़ी थकावट थी लेकिन आपके मोहब्बत और खुदाम का प्यार जो है उसने इस बात के लिए तैयार किया कि मैं आपके साथ खुदाम के पाक कलाम को बांटूं, तो चाय फिर पी लेंगे कोई मसला नहीं है। तो हम खुदाम का शुक्र अदा करते हुए खुदाम के पाक कलाम की जानब बढ़ेंगे और इमाल की किताब में से हम आज का बिल जो है उसको तिलावत करेंगे। खुदाम के पाक कलाम को देखिए, इन द न्यू टेस्टमेंट द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 54, इमाल की किताब उसका 7:54 से लेकर 8:3 तक हम खुदा उनके पाक कलाम को देखेंगे। सफा नंबर है जी 115, खुदा उनका पाक कलाम सुनिए।
जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने हरुल कुदस से मामूर होकर आसमान पर गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। मगर उन्होंने बड़े जोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। और गुहाओं ने अपने कपड़े सौल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्टिफनेस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि आए खुदावन यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि आए खुदावन ये गुनाह इनके जुमे ना लगा और ये कहकर सो गया। और सौल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ और सुलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की अतराफ में परागंदा हो गए और दीनदार लोग स्टिफनस को दफन करने के लिए ले गए, उस पर बड़ा मातम किया। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। खुदावन के जिंदा बाबरकत लातब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन जिंदा कदूस पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए। खुदावन तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमें सिखाता है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए, तेरे कलाम को सुनने के लिए जो लोग बेताब हैं। खुदावन तूने बड़ी बरकत दी। खुदावन तू हमें इस बात के लिए तैयार कर कि खुदावन हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दें, अबलीस इस बीज को चुगने ना पाए। खुदावन हमें अपने पाकुल से मामूर कर, अकल दानिश और हिकमत की अरू दे। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजो आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि कल जो वाकया रूनुमा हुआ पेशावर पाकिस्तान में, खुदावन के खादम खुदावन की खिदमत करके चर्च में इबादत करके लौट रहे थे। एक सीनियर पास्टर थे और दूसरे जूनियर पास्टर थे, रेवरेंड विलियम सराज एंड रेवरेंड पैट्रिक। खुदा उनकी इबादत की, चर्च से निकले, मोटरसाइकिल पर थे। आपको मालूम है कि वहां पर जो इबादियां होती हैं वहां पर छोटी छोटी गलियां हैं और वो उन गलियों में से निकलकर अपने घर की जानब रवान दवा थे। कुछ गनमैन मोटरसाइकिल पर आए, उन्होंने फायरिंग की और उस फायरिंग के नतीजे में खुदा उनके खादम रेवरेंड सराज जो है वो खुदावन में सो गए। रेवरेंड पैट्रिक जो है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उनकी जो मरहम पट्टी की गई, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो महफूज रहे। ये वाकयात कोई नए नहीं है। पाकिस्तान में ये वाक्यात रोज रोज हम देखते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। परसिक्यूशन, इज़ाए रसानी, इसको हम बड़ी सफाई के साथ वहां पर देख सकते हैं। इज़ाए रसानी क्या है? शायद आप
सोचेंगे कि किसी को कत्ल कर देना ही ये इजहार आसानी है, और कोई शहीद हो जाता है खुदा उनके नाम पे तो शायद यही इजहार आसानी है। मेरी एक बार कॉमनवेल्थ में सेक्रेटेरिएट में मुलाकात हुई, वहां पर मैंने जो सेक्रेटरी थे कॉमनवेल्थ के उनको मैंने कहा कि देखें सिर्फ ये C-295 की एक प्रॉब्लम नहीं है, जो ब्लैसफेमी लॉ है, तौहीन रिसालत का जो कानून है, सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसिक्यूशन जो है उसके डिफरेंट हेड हैं, डिफरेंट उसके उसकी शेप्स हैं। वो जो सेक्रेटरी थे कॉमनवेल्थ के उन्होंने कहा कि उन्हें खुद बड़ा इस बात का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनके जो वालिद थे, जो इस्लामाबाद में चर्च था जहां पर हमला हुआ चंद साल पहले, कहा कि वो मेरे वालिद साहब थे वो उस चर्च में पादरी थे, उनका जो भाई था वो मरी में जो हमला हुआ ही वॉज विक्टिम इन दैट अटैक, टेररिस्ट ने जब अटैक किया मरी में तो वो वहां पर मौजूद था। He said that he got a very close experience of the terrorism in Pakistan. I said, there is no doubt in that. I'm not disagree with you. But there are some other shapes of the persecution you can see very clearly in Pakistan. Our young girls, they are working as a domestic servants. When they are working in their homes, the rich Muslims, their sons and daughters, their wives, they are addicted, they are buying the drugs, they are stealing the money, and they are blaming the innocent Christians, and they are victim of that problem. Unko jailon mein dal diya jata hai, unko mara jata hai, unko majboor kiya jata hai ki wo is baat ko qubool karein ki unhone chori ki. बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए, शाजिया बीबी का केस, आसिया बीबी का केस, और बहुत सारे ऐसे वाक्यात हैं जिनको हम जानते नहीं। बहुत सारे लोग आज भी इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हैं। इसके साथ साथ मैंने उनसे कहा कि देयर इज नो इक्वलिटी in employment, there's no opportunity that Christian can they can go to the army, the police, the navy. Only couple of peoples they got this opportunity. They are serving in the forces. There's no equal opportunity. Well, I was army chaplain Gujranwala. I can give you the example of that hatred jab General Peter jo hain wo promote hue general bane, bahut zyada iski mukhalifat hui aur wahan par jo Muslim to kehne lage, kyunki dekhen main ye lafz istemal nahi karna, lekin kyunki ye waqia aisa hai isliye mujhe ye lafz istemal karna padega, to jo safai ka kaam karte hain को आपको मालूम है उनको स्वीपर कहा जाता है। किसी सिपाही ने कहा कि देखो जी अब स्वीपर भी जनरल बन गए, उनके नजदीक ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई काम नहीं है सिपाही का काम, वो इसको एक कॉम समझते हैं, इट्स ओनली फॉर द क्रिश्चियंस। अभी चंद रोज पहले मैंने इस न्यूज को देखा, वहां पर यह बिल पेश किया गया कि जब खाक रूप की जो वैकेंसी होती है उसको एडवर्टाइज किया जाता है तो उसमें ये कहा जाता है कि जी दिस इज ओनली फॉर द क्रिश्चियंस, स्वीपिंग जॉब इज ओनली फॉर द क्रिश्चियंस। उन्होंने कहा कि आप इसको डिलीट करें, इस बात को खत्म करें कि ये बात ना लिखी जाए। लेकिन फिर भी मैंने मेरा यह जाती तजर्बा है, मेरे साथ क्या हुआ कि जब मुझे अपॉइंट किया गया एज एन आर्मी चैप्लन
That was 1991. जब मैंने अप्रोच की, मेरे से पहले पादरी डॉक्टर मकसूद कामल वहां पर चैपलन थे, ही वेंट टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडी. देन देयर वाज अपॉर्चुनिटी फॉर मी बिकॉज माय प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द आर्मी. मुझे कहा गया जी आप वहां पर एज ए चैपलन जो है वो काम शुरू करें. तो मुझे मालूम ये पड़ा, क्योंकि मैं जनरल हेडक्वार्टर में रह चुका था, मुझे मालूम था सारे कानून जो है. तो मैंने उनको कहा कि जी जो मेरी अपॉइंटमेंट है उसको एज ए चैपलन किया जाए, आर्मी चैपलन के तौर पर. उन्होंने कहा कि जी 1959 के बाद कोई भी चैपलन जो है उसको अपॉइंट नहीं किया गया. 1959 तक जो ब्रिटिश लॉ के मुताबिक जो चैपलन होता था आर्मी में, उसका रैंक जो है वो कैप्टन का होता था. तो उस वक्त जो उसकी सैलरी थी, दैट वाज इक्विवेलेंट टू 235 रुपीस. यू बी सरप्राइज. तो मुझे उन्होंने कहा कि जी अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्मी चैपलन हम अपॉइंट करें, वी डोंट माइंड, हम आपको आर्मी चैपलन अपॉइंट कर देते हैं. आपको सैलरी जो है वो 235 रुपए मिलेगी. इट वॉज अ जोक. फिजिकली आई वॉज वर्किंग इन 1991, वेयर एज आई वॉज गेटिंग सैलरी अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ 1959, क्योंकि स्केल रिवाइज नहीं हुए थे. खैर इसके बारे में मैं बताता हूं. दूसरा ऑप्शन उन्होंने मुझे ये दिया, वो ऑप्शन जो था इट्स वेरी फनी, लेकिन दे वॉज अ एग्जाम्पल फॉर दैट. उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ऐसा करें कि हम आपको स्वीपर भर्ती कर लेते हैं किसी भी यूनिट में, तो आप काम जो है वो पादरी का करें, सैलरी आप जो है वो स्वीपर की लेते रहें. उसमें कबाहत ये है कि जिस दिन कोई इंस्पेक्शन हुई तो आपको बुलाया जाएगा और आपको सफाई करना भी पड़ेगी. तो चॉइस इज योर. वुड यू लाइक टू टेक 235 रुपीज अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ 1959 एंड यू वांट टू वर्क एज अ चैपलन? आर यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ स्वीपर एंड वी विल गिव यू द सैलरी ऑफ दैट स्वीपर? क्योंकि जो खारी में पादरी साहब थे वो हमारे अजीज पादरी अजमल साहब, वो चैपलन थे CMH में, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में. उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो स्वीपर की गई थी, लेकिन काम वो चैपलन का करते थे. इट वॉज सेम इन नौशहरा, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट. तो मैंने इसके खिलाफ फिर मुहिम शुरू की. आई वेंट टू GHQ, जनरल हेडक्वार्टर गया. एक्चुअली जनरल साहब से मैं मिला, ही वॉज माई कोलीग, मेरे दोस्त थे. तो मैंने उन्हें कहा कि यार ये देखें कि ये हालात हैं कि मुझे 235 रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं और मैं काम जो है वो आर्मी चैप्टन का कर रहा हूं. तो उन्होंने बिलीव नहीं किया. उन्होंने कहा यार हाउ कम दिस इज नॉट पॉसिबल. मैंने उनको पे स्लिप दिखाई, मैंने कह ये देखे. तो उन्होंने जो CMA थे, जो मिलिट्री अकाउंट्स के जो डायरेक्टर थे, उनको फोन किया. उन्होंने कहा कि आप बिलीव करते हैं कि इस दौर में कोई शख्स जो है वो 235 रुपए सैलरी ले रहा होगा? उन्हें कहा नहीं जी, आई डोंट बिलीव दैट. उन्होंने कहा फिर आप मेरे ऑफिस आए, मैं आपकी शेख से मिलाना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा जी ये देखें कि ये शख्स जो है ये काम अभी कर रहा है 91 में और इसको जो सैलरी है वो 235 रुपए दी जा रही है. खैर वो केस जो है सबमिट हुआ और उसमें कुछ वक्त लग गया. बाय द टाइम आई लेफ्ट दैट पोजिशन, मैंने जब रिजाइन किया और मैं UK में आया, उस वक्त वो स्केल जो है वो रिवाइज हुआ और अब जो चैपलन है वो उनको नायब सूबेदार की पोजीशन जो है वो दी जाती है और उनकी सैलरी भी जो है वो नायब सूबेदार के, जिनको खतीब कहा जाता है, नायब खतीब और खतीब जो होते हैं आर्मी में, उनको इक्वलेंट उनको सैलरी जो है वो दी जा रही है. तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वहां पर मसला जो दरपेश आया, जो मेरा अपना जाती तजुर्बा है. प्रोसिक्यूशन के हवाले से ये है कि वहां पर कोई चर्च नहीं था. हमने कोशिश की और मैंने केस लड़ा और फिर हमने वहां पर जगह लेकर चर्च बनाया रावली कंटोनमेंट में. तो ये जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, इस बात का तजर्बा हुआ कि वहां पर किस तरीके से जो मसीही हैं
उनको सताया जाता है। जब मैं जनरल क्वार्टर में था, मेरी प्रमोशन हुई और मुझे ये कहा गया कि आप कराची चले जाएं, तो जो मेरे बॉस थे जनरल साहब, जनरल से कादर, उन्होंने कहा कि हाउ कम कि आप इसको 100 रुपए के लिए वो कराची जाए और वहां पर वो जाकर घर ले, वहां पर वो रहे, और उनका ये तो ठीक नहीं है बात। तो फिजिकली आई वॉज वर्किंग इन जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी, वेयर एज माई सैलरी वॉज कमिंग फ्रॉम कराची। मेरी अपॉइंटमेंट कराची में थी और सैलरी मेरी वहां से आती थी। सिर्फ इसलिए कि मैं अगर एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस पोजिशन को तो उसमें क्या होगा कि जी मैं जवाब दे दूंगा और मेरी प्रमोशन जो है वो नहीं होगी। बहुत सारे जो हमारे मसीही ऑफिसर हैं, दे हैड द सेम एक्सपीरियंस। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ दैट आर्मी ऑफिसर। दो जो बड़े अच्छे दोस्त मेरे, एक आर्मी ऑफिसर जो थे क्रिश्चियन, उन्होंने देखा कि जब भी उनको मेस में खाना दिया जाता है तो पता चल जाता है इंसान को जो खाना खा रहा होता है कि यार ये कप या ये जो प्लेट है ये रोजाना मेरे सामने आती है। यू बी सरप्राइज कि उस प्लेट के नीचे निशान लगाया हुआ था, उसी प्लेट में इस क्रिश्चियन ऑफिसर को खाना दिया जाए। एक और वाकया, एक हमारे बड़े सीनियर क्रिश्चियन ऑफिसर, किसी ने बात की, उन्होंने पूरी जीवा सेकंड इन कमांड, उन्होंने सारी यूनिट को बुला लिया और उनको कहा कि आप गुजरांवाला से लेकर अलीपुर चट्टा जाएं, ड्रिल करें, भागते हुए जाएं और भागते हुए आएं। सब बड़े हैरान हुए जब वो सारे सिपाही जो है वो सेकंड इन कमांड की जो बात थी, ऑर्डर था, उसको फॉलो किया गया। सारे जो सिपाही थे वो भागते हुए आए वापस, पसीना बह रहा है, उनको फॉलो किया गया, ग्राउंड में खड़ा किया गया। तो जो क्रिश्चियन ऑफिसर थे उन्होंने खड़े होकर कहा कि अब आपको चूड़े की ताकत का पता चल गया। तो जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि सर क्या हुआ है, आपने क्यों ये साफ ये बात की है? उन्होंने कहा कि आप इस बात को छोड़ दें, किसने कहा है? लेकिन किसी ने ये बात कही कि यार इस चूड़े ने बड़ा तंग किया हुआ है। तो उन आर्मी ऑफिसर ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया और उन्होंने उनको रियलाइज करवाया कि दे शुडंट बी एटीट्यूड लाइक दिस। एवरी डे वी आर हैविंग सच एक्सपीरियंस। जॉब के लिए आप जाते हैं, आपका नाम देख के आप कहते हो यू आर क्रिश्चियन, सॉरी, किसी ना किसी तरीके से आपको डिप्राइव कर दिया जाता है। हमारी क्रिश्चियन नर्सेज को प्रोसिक्यूट किया जाता है, उनके साथ जो सलूक किया जाता है, आप सब इस बात से वाकिफ हैं। बहुत सारे वाकयात हमारे सामने हैं। दिस नो इक्वल अपॉर्चुनिटी, दिस नो मेरिट सिस्टम पे बड़ा मुश्किल होता है, दिस शुड बी अ कोटा सिस्टम। मेरिट पे हमारे क्रिश्चियंस का उस मेरिट को पूरा करना, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मसीहों को फेस करना पड़ रही है। तो ये वो सेक्टर हैं, ये वो एरियाज हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं परसिक्यूशन। नॉट ओनली 295 का चर किसी ने तोहिन कर दिया, उस पर ये इल्जाम लगा दिया जाए और उसको कैद में डाल दिया जाए। ये जो हमारे मुआशरे में जो समाजी जो मसाइल है, जो वहां पर समाजी नाहमवारी है, माशर्ती नाहमवारी है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। अजीजो, हमारा रवैया क्या होना चाहिए? खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है? जब तुम सताए जाओ तो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, दुआ मांगो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। अभी जो मैंने विर्द आपके सामने तलावत किया, इस विर्द की रोशनी में पहली बात हमें यह सीखने की है कि यह कोई अनहोनी बात नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है। शुरू से ही कलीसिया जो है उसको सताया जाता रहा है,
लोगों गर्म रेत पर डाला जाता। इब्रानियों के खत को देखें यारा बाप, जहां पर ईमान के सूरमों का जिक्र है। खालों में पुरोए गए, गारों में रहते थे, आरे से चीरे गए, आग में डाला जाता था। बिशप पॉलीकॉर्प जो पहले मसीह बिशप थे, उनको जिंदा आग पर जला दिया गया। जितने भी खुदावन के खादम रसूल हैं मासवाय यूहन्ना के, जो कि तबई मौत मरे, बाकी सबको शहीद किया गया। इब्तदाई कलीसिया में हम इस बात को बड़ी सफाई के साथ देखते हैं। स्टिफनेस के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं। मसीह नौजवान स्टिफनेस, स्टिफनास जो लफ्ज है जिसका मतलब है ताज, हकीकत में वो एक ताज है। नौजवान लड़का, वो खुदावन की गवाही दे रहा था, यीशु के बारे में बता रहा था। उसको संसार किया गया, उन्हें कहा ये कुफर कहता है, ब्लैशफमी, इन दैट एरिया दैट प्लेस सो मेनी पीपल स्टूड देयर एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसे क्या कहा सुनिए, हिमाल उसका सात बाब उसके 51 आयत से, आए गर्दन कशो और दिल और कान के नाम मख्तूनो, तुम हर वक्त रूल कुदस की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे तुम भी करते हो। नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया, उन्होंने तो उस रास्तबाज यानी खुशखबरी देने वालों को कत्ल किया, और अब तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए, तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत पाई पर अमल ना किया। ही वाज सो ब्रेव एंड ब्लंट, वो उनको कंडेम कर रहा है, उनको बावर करा रहा है, ये जो कुछ तुमने किया तुम्हारे बाप दादा ने भी ऐसे ही किया, और तुमने यीशु को मसलूब कर दिया। उन्होंने कह के जीत जल गए, उनको गुस्सा आया और उन्होंने उसको संसार कर दिया, पत्थर मारे उसको। स्टिफनास का रवैया क्या था, व्हाट वाज हिज एटीट्यूड? While they were stoning him, he was praying for his enemy. वो अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर रहा था। उसने कहा काय बाप, आए मेरे खुदावन, इनका गुनाह इनके जुम्मे ना लगा। और उसकी ईमान की खूबसूरती को देखिए, जैसे यीशु ने सलीब पर ये कहा कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, इन द सेम वे ही डिक्लेयर दैट स्टिफनेस ऑफर्ड हिज सोल टू जीसस क्राइस्ट। आए खुदावन यीशु मेरी रूह को कबूल कर। यीशु ने फरमाया तुमसे मत डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे बदन को रूह को हमेशा की हलाकत में डाल सकता है। बदन के लिए फिक्र ना करो, अपनी रूह की फिक्र करो। और उसने कहा आए खुदावन यीशु मैं अपनी रूह तेरे सुपुर्द करता हूं, मेरी रूह को कबूल कर। जो शहदा हैं, जो खुदावन पर ईमान रखते हैं, उनके बारे में हमें ला इलम नहीं होना। हम जब अपने ईमान का इजहार करते हैं, जब हम अकीदा पढ़ते हैं, अपोस्टल क्रीड निकाया का अकीदा जो हम पढ़ते हैं, रसूलों का अकीदा, जो हम कहते हैं खुदा बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा, यीशु के बारे में हम ये कहते हैं, ये हमारा ईमान है। यहां पर हम देखते हैं कि खुदावन उठकर उसका इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि वो कहता है वर्स 56, स्टीफन कहता है देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं।
खुदा यीशु मसीह अपने शहदा को, अपने मोहब्बत करने वालों को ऑनर करते हैं, रिसीव करते हैं, उनको उनको गले लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनको इज्जत देता है। किसी बादशाह का खड़े होकर किसी को ऑनर करना, इज्जत देना छोटी सी बात नहीं। वो बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है। उसने स्टीफनस को रिसीव किया, उसकी रूह को कबूल किया। अजीजो, साउल जो बाद में पालूस बन गया, लिखा कि वो उस वक्त उसके कपड़ों की हिफाजत कर रहा था और वहां पर खड़ा था। और ये साउल मसीहों को कैद में डालता था और उस वक्त भी लिखा कि वहां पर मौजूद था। वो घरों में घुस घुस कर लोगों को पकड़ते और उनको कैद में डालते थे। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ फर्स्ट सेंचुरी चर्च। ये वो तस्वीर थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। आज जब मसीहों को सताया जाता है, जब उनको इजहार आसानी का सामना करना पड़ता है, तो ये बात याद रखें कि ये कोई नई बात नहीं है। क्या फायदा है इजहार आसानी का? पहला इसका जो हम देखते हैं कि ये ऐन खुदा के कलाम के मुताबिक है कि हमें इन दुखों में से गुजर कर जलाल में दाखिल होना है। इब्तदाई कलीसिया से लेकर आज तक मसीही जो है उनको सताया गया। ये वो बीज है कलीसिया जिससे बढ़ती है शहदा का खून, द सीड, द ब्लड ऑफ द मार्टर्स इज द सीड ऑफ द चर्च। ये वो बीज है इसके वसीले से कलीसिया बढ़ती और तरक्की करती है। जितना मसीहों को सताया जाता है, उतना ही उनका ईमान बढ़ता और वो तरक्की करते हैं। The second thing is advantage। हम अपने आप को खुदावन के साथ उसके दुखों में शामिल करते हैं। जब हम सताए जाते हैं, तो जैसे वो सताया गया, खुदावन ने कहा कि जब भरे दर्द के साथ इस सब कुछ हो तो सूखे के साथ क्या नहीं होता। जिस अपॉर्चुनिटी जब हम उसके साथ मसलूब होंगे तो उसके साथ जिंदा भी किए जाएंगे। दिस होप फॉर द बिलीवर्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी, द अदर एडवांटेजेस, आपको गुवाही का मौका मिलता है। कैन यू इमेजिन द फर्स्ट सेंचुरी चर्च व्हेन पॉल एंड हिज कॉलीग, हिज फ्रेंड्स, अदर अपोस्टल्स, दे वर इन द प्रिजन, देयर वाज अपॉर्चुनिटी फॉर एवेंजलिज्म। सोचिए कि पालूस रसूल जेल में होगा, वहां पर जो रोमन से वो एक रूटीन के मुताबिक उनकी ड्यूटी जो है सिपाहियों की वो बदलती होगी। तो जब वो सोल्जर, जो रोमन सोल्जर होंगे, वो पूछते होंगे पालूस से, आर यू ज्यू? व्हाई आर यू इन द प्रिजन? व्हाट्स हैपेंड टू यू? एंड there was opportunity for Paul to start sharing his testimony. While I was moving, I was going to catch the Christians, arrest them. I was on the way of Damascus, and Jesus Christ, he have chosen me. And now I'm sharing the good news with the non-Christians. That's why I'm here in the prison. That was an opportunity to share the good news. The Saath, Rosanna, नए सिपाही आते होंगे, पौलुस उनके साथ इस टेस्टिमनी को शेयर करते होंगे। दो बहनें जो कि एड वर्कर थी अफगानिस्तान में, उनको रखा गया, उनके इंटरव्यू भी आए सीएनएन पे। तो जब वो वहां पर थी और जेल में थी, तो तालिबान जो थे वो उनकी कैद में थी, वो दोनों लड़कियां। जिस दिन वो वहां से रिहा हुई, वो उस जेल में थी
और थोड़ी देर पहले तालिबान ने आए और उन्होंने ताले वगैरह चेक किए. आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स देयर वाज अ क्राउड, दे वर शाउटिंग यू आर फ्री सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर दे एंटर टू दैट प्रिजन. उन्होंने उनको लिया. वो कहने कि अभी तो थोड़ी देर पहले तालिबान जो थे वो यहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं हमने अभी जो है उनको मार दिया है और आप अब आजाद हैं. दीज टू गर्ल्स वेंट बैक टू अमेरिका एंड आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स दे वर आस्किंग ओह वी वांट टू गो टू अफगानिस्तान एंड द पीपल दे आस्क्ड देम आर यू नॉट अफ्रेड, यू वाज इन द प्रिजन, यू हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ पर्सिक्यूशन ओवर देयर, सो व्हाई यू वांटेड टू गो बैक. And they openly said, the God is same. Khuda tabdeel nahi hua. If he can set us free from there, again he can bring us back safely. Woh khuda aaj bhi kudrat aur taqat se mulabbas hai. Agar woh pehle hame rihai de sakta hai, to ab bhi rihai de sakta hai. Azizo, hamara khuda kal, aaj, balki ab tak yaksan hai. Woh aaj bhi हमारे साथ है. उसका नाम इमैनुअल है. खुदावन ला तब्दील खुदा है. वो आज भी अपने लोगों को मखलसी रहाई देने पर कादर है. हमें घबराना नहीं, ये कोई नहोनी बात नहीं है. दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस. जब हमें हरासा किया जाता है, जब हमें कत्ल किया जाता है, तो ये हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को यीशु के बारे में बताएं. इसलिए हमें घबराना नहीं है. वी आर इन ए जर्नी. दिस वर्ल्ड इज नॉट अवर होम. वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट प्रॉमिस्ड लैंड. हमें उस मुल्क के मौदा में, उस नए यरूशलम में दाखिल होना है जहां पर हम खुदावन के साथ हमेशा तक रहेंगे. तो आप परेशान ना हो, आप घबराएं नहीं. Because terrorists, they are creating terror, fear. Terror is the greatest weapon of the devil. But there is the Prince of Peace. You are the partaker of peace. We need to work for the peace and harmony and love for the people in this world. We are not afraid from the terror. हम उनसे खौफजदा नहीं. मैंने आपके साथ इस बात को बांटा था कि जब इजिप्ट में लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता, लीबिया में, दीगर जगहों पर, सीरिया में, और जब आपने देखा होगा शहदा को जिनके गर्दनें काट दी गई, बोको ओबामा आसिस ने क्या क्या किया आप सब जानते हैं नाइजीरिया में. तो जो ये इस्लामिक स्टेट के जो टेररिस्ट थे, उन्होंने उन मसीहों को लिया और जब उनकी गर्दनें काट रहे थे तो एक मसीही ने कहा कि मुझे पता है कि तूने मुझे छोड़ना नहीं है, तूने मुझे कत्ल कर देना है, बट बिफोर आई विल डाई आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग. उसने उस टेररिस्ट को बाइबल दी और उसने वो बाइबल रख ली, उसका सरतन से जुदा कर दिया उस मसीह का. लेकिन मरने से पहले उसने बहुत बड़ा काम कर दिया. उस टेररिस्ट ने उस बाइबल को लिया, उसको पढ़ना शुरू किया एंड लेटर ही बिकेम पास्टर. आई मेट हिम इन अमेरिका. अब उसका जो चर्च है जेट में, बहुत बड़ा चर्च है उसका, उसके वसीले से बहुत सारे लोग गांव के पास आ रहे हैं. शहीदों का खून कभी रायगा नहीं जाता. अजीजो, खुदावन हमें यह मौका फराहम करता है कि हम उसकी गुवाही दे सकें. हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं खुदावन के उन खादमों के लिए जिन्होंने खुदावन की खिदमत की, चर्च में खिदमत कर रहे थे, बात करने के बाद जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे उन पर हमला हुआ. हम
पादरी विलियम सराज साहब के लिए, उनके ईमान के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। दीगर जो खुदा के खादम हैं, जो मसीही हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, दीगर जगहों पर हैं, हम उनके लिए दुआ को हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, अपने लोगों के लिए दुआ कीजिए ताकि वो खुदा उनमें मजबूत हों, अपने लिए भी कि खुदा उन हमें ये तौफीक दे कि हम जब जब दुख तकलीफ मुसीबत का सामना करें हम खुदा उनके नाम के लिए, उसके जलाल के लिए काम करें। अजीजों, जैसे मैंने कहा कि इस प्रोसिक्यूशन की बहुत सारी अशकाल हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। यूके में आप देखें कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेटेड लॉ है उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, और हम जो चर्चिस में इबादत करते हैं हमें बहुत दफा ज़हनी रूहानी अज़ियत का शिकार होना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन बाहर से ही हो, अंदर से भी होती है, शैतान मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है। हमें इन तमाम बातों के लिए तैयार रहना है। जब तुम सताए जाओ तो दुआ करो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। मेरी ये दुआ है कि खुदावन आप सबको ईमान की मजबूती बख्शे और इस ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए कि आप हमेशा यीशु को अपने सामने रखें, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें जिसने हमारे लिए शर्मिंदगी की परवाह ना की और स्लीप का दुख सहा। वो हमें एक सबक दे गया है और वो सबक ये है कि अपने दुश्मनों से, अपने सताने वालों से मोहब्बत करें, खुदा उनकी स्लीप पर निगाह करें जो कुर्बानी मोहब्बत खलूस का निशान है। जब हम इसे पहनते हैं वी आर डिक्लेयरिंग द लव ऑफ गॉड, वी आर थिंकिंग अबाउट द सैक्रिफिशियल लव ऑफ गॉड, वी आर थिंकिंग अबाउट द हम्बलनेस ऑफ गॉड, वी आर थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्सल इन्विटेशन ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही इज इनवाइटिंग यू, कम टू मी, फॉलो मी, टेक योर क्रॉस, अपनी स्लीब उठाएं और मेरे पीछे बोले। ये शागिर्दियत की एक डिमांड है। अगर आप उसके शागिर्द बनना चाहते हैं, तो उसके पीछे आना चाहते हैं, खुदा ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने खुदी से इनकार करे, अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे बोले। खुदा ने आपको बरकत बख्शे, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि प्यार खुदावंद तूने स्लीप पर जान देकर हमें ये नमूना दिया कि किस तरीके से अपने दोस्तों के लिए हमें जान देनी है। प्यार खुदावंद हम स्तिफनास की जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसने खुदावंद मौत को गले लगाया, जिसे संसार किया गया। खुदावंद हम उसकी हलीमी के लिए, ईमान के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त है खुदावन हम अपने दोस्तों को, पादरी पैट्रिक साहब को, पादरी विल्सन साहब को तेरे जरूर याद करते हैं। खुदावन दुआ करते हैं पादरी सराज साहब के लिए जिन्हें खुदावन तूने अपने पास बुला लिया। प्यार खुदावन हम दुआ करते हैं पादरी विल्सन सराज साहब के खानदान के लिए कि प्यार खुदावन तूने बड़ी तसल्ली और तशफी अता फरमा। अरे प्यार खुदावन तेरी कलीसिया जो तेरा खानदान है, जहां जहां भी तेरे लोग मौजूद हैं खुदावन उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन दुआ करते हैं कि हमें दुख सहना सिखा ताकि खुदावन हम बहुत सारे दुख सह कर तेरे साथ जलाल में दाखिल हों। खुदावन अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। हम तमाम बीमारों को, दुखियों को, लाचारों को तेरे सामने याद करते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए दुआ करते उनके साथ हो। हम सबकी खताओं को, गलतियों को, कमजोरियों को माफ करवा। हमारे घरानों को बरकत दे, हमारी कलीसियाओं को बरकत दे, खादमों को बरकत दे, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन हम कलीसिया पाकिस्तान के लिए, कलीसिया हिंद के लिए दुआ करते हैं। खुदावन इंडिया और पाकिस्तान की कलीसियाओं को खुदावन तो अपनी पनाह मिले और दीगर तमाम अदारों के लिए, मसीहों के लिए, जहां जहां भी तेरे लोग हैं पूरी दुनिया में, खुदावन के लिए तेरी पनाह चाहते हैं। खुदावन सबको बड़ी बरकत दे। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे, इस अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही कुदरत चला
हमेशा तक के लिए हैं। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन जहान रूह की हिफाजत करे, आपको बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आप से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होते रहे। आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ कीजिएगा खुदावन तमाम घरानों को बड़ी तसल्लियत और शफीत आप फरमाए। और अभी जबकि बड़ा खौफ है वहां पर पाकिस्तान में, बिलखसूस पेशावर में, तो खुदा पुलिस को और वहां की जो इंतजामिया है उनको अकल और दानिश बख्शे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए, इमरान खान साहब के लिए और गवर्नर के लिए, वज़ीर आला के लिए, पेशावर के जो गवर्नर हैं KPK के, उनके लिए दुआ करें। खुदावन उनके साथ हो और खुदावन उन मुजरमों को कैफे करदा तक पहुंचाए। खुदावन आप सबके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। बाय।